नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस द्वारा 10,000 दो पहिया वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें बिना नंबर, मानक नंबर, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज आवाज वाले वाहन शामिल है। इन वाहनों के विरुद्ध नियम अनुसार चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चालकों से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी भरवाया। जबलपुर यातायात पुलिस अधीक्षक प्रदीप शिंदे ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP को वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगा होगा, उन्हें संशोधित मोटर वाहन अधिनियम CMVR 1989 नियम 50 के तहत जुर्माना देना होगा। HSRP नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसमें वाहन का 7 अंकों का यूनिक डिजिटल कोड दर्ज होता है। इस कोड के माध्यम से दुर्घटना होने पर वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। जिन दोपहिया चार पहिया वाहनों में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारे थानों पे अमानक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर है, ऐसी गाड़ियां लगातार लाई जा रही है, इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग शहर और बिहार के सभी थानों में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो चीता मोबाइल है, ये लगातार देखती है कि किस गाड़ी में अमानक नंबर प्लेट है और इसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ है। ऐसी गाड़ियों को अपन लेके आते हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। और जो अदर हेड्स है मोटर व्हीकल एक तक के अंतर्गत, उसमें भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन लोगों के विरुद्ध भी हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। और गाड़ियाँ चलाते समय जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी अपन कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।